so one question is co coming regularly that do we need to submit the physical copy of appeal documents to the office of joint commissioner or additional commissioner appeals under gst so section 107 talks about the methodology the procedure for filing gst appeals it basically makes the requirement of filing appeal under gst so

वो स्पेसिफिकली बात करता है कि अपील हैज टू बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली सो ऑर्डीन अपील आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करनी है कॉमन जीएसटी पोर्टल पे दैट इज www.gst.gov.in लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अपील मैनुअली भी फाइल की जा सकती है और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं अगर द कमिश्नर हैज सो नोटिफाइड या फिर जो ऑर्डर आपको चैलेंज करना है जिसके अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है अगर वो ऑर्डर अपलोडेड नहीं है ऑनलाइन पोर्टल पर इन दैट केस यू कैन फाइल द अपील मैनुअली कमिश्नर्स ऑफिस सो इन क्रक्स इफ यू टॉक अबाउट वेदर वेर द ऑर्डर इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑनलाइन ऑन द पोर्टल वी हैव फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिक अपील दैट इज एपीएल जीरो ग्राउंड सो इन दिस केस

to the office of the commissioner's appeal within seven days from the date of filing APL zero one. अगर आपने कोई appeal file करी और वो order uploaded नहीं है online, in that case only आपको within seven days from the date of APL zero one आपको वो order commissioner office में file करना है. Technically, legally बाकी किसी भी case में आपको कोई document commissioner office में file नहीं करना है. लेकिन इसका एक practical aspect है. जितने भी स्टेट्स में अपील अपीलेट अथॉरिटीज हियरिंग कर रही हैं, दे आर ऑल डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर बुक जो हम फिजिकली फाइल करते हैं तो जो ट्रेडिशन है जो हमारा यू कह सकते हैं जो कस्टमरी पोजिशन uh, है वो ये है कि कमिश्नर ऑफिस जनरली टू सेट्स थ्री सेट्स फोर सेट्स दे डिमांड पेपर बुक तो वो हमें फाइल करनी पड़ती है वो कस्टमरी है लीगली टेक्निकली नो वन कैन रिजेक्ट योर अपील If you have not filed the document physically with the commissioner's office.